इस तरफ देख सकते हैं महाभारत की यहाँ पे शूटिंग होती है वगैरह। ये देख सकते हैं ईफिल टावर हमारे पीछे जा रहे हैं ब्यूटीफुल। और अपन तो ये पहली बस है, इससे हम चलते हैं। ये है दोस्तों रामू जी फिल्म सिटी की पहली बस और इससे हम लोग निकल चुके हैं। ये आंटी वगैरह देख सकते हैं पीछे, अंकल वगैरह ये सब भी आए हैं, सब पीछे ही निकल चुके हैं इस बस से। और सबको हाय बोल दीजिए एक बार। और इससे बहुत इंजॉय आ रहा है, आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो तो जनरल टिकट जो है 1357 का, आराम से आइए और घूमिए, बहुत ही इंजॉय आएगा। और इसके बाद एक और रेड बस है उसमें, और इससे भी खूबसूरत बस है, उसमें आप लोग को दिखाएंगे रेड बस कैसी दिखती है। चलो अभी चलते हैं डायरेक्ट इस जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग जो इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा रामोजी फिल्म सिटी 1666 एकड़ में फैला हुआ है और इसे तेलुगु फिल्म डायरेक्टर रामोजी राव ने 1996 में बनाया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो अमीर लोग की शूटिंग होती है बड़े बड़े घर की, तो वो इसमें शूट होती है। और इस तरफ सिटी हॉस्पिटल वगैरह, ये ग्रीन कलर का देख सकते हैं, वो सब इस शूट करने के लिए इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। और ये देख सकते हैं पूरी ये फिल्म सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है। और उस तरफ ये वो राक्षस देख सकते हैं पीछे से, बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा स्टूडियो। तो इस तरफ कुटिया वगैरह बना गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए इसके अंदर चलेंगे, स्टूडियो है, शो वगैरह दिखाएगी और देखते हैं क्या है, किस तरह का शो दिखाता है। उसके बाद आपको ले चलेंगे इस रेड बस में। और सामने देख सकते हैं रेड बस, वो अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये व्यू दिखा देता हूँ फ्रंट का। और चलते हैं अंदर डायरेक्ट। देख सकते हैं ये ढोल देखिए, और इस तरफ उस तरफ भी लगी हुई है। और ये बड़ी बड़ी ढोल, बड़ा मस्त लग रहा है। और इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का व्यू। और ये देखिए अंदर आ चुका हूँ मैं, जस्ट अंदर। और ये देख सकते हैं व्यूज हमारे पीछे का, कितना खूबसूरत लग रहा। और ये जो भी होगा शो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है हमारे पीछे का, ये देखिए बिल्डिंग वगैरह। थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको फिर जस्ट अंदर का दिखाता हूँ व्यू। आ चुका हूं मैं, देख सकते हैं डांस हो रही है लाइव शो, और बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव शो डांस। जस्ट इसके अंदर देख सकते हैं स्टेज से हो रहा है। दिखाया जा रहा है, हीरो की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। वाओ, वेरी नाइस।
तो दोस्तों अभी यहाँ पे रियल स्टंट शो आप लोगों ने देखा और यहाँ से जस्ट आगे निकल रहे हैं और ये एक बस आने वाली है जो बाहुबली सेट दिखाएगी और पूरा इसके बाद 12:45 में क्या कहता है बॉम्ब शो होगा, जो रियल बॉम्ब शो आप लोग देखे होंगे वो होगा। अभी भी आप लोगों को दिखा होगा कि किस तरह रियल स्टंट शो हुआ, हीरो की एंट्री हुई, पहले गुंडे आए, बहुत ही खूबसूरत शो लगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। और इस तरह का देख सकते हैं ईफिल टावर, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, मतलब फुल पैसा वसूल है। तो यहाँ पे आए तो एक बार विजिट करने जरूर आए इस जगह। और अभी हम चलेंगे, वो बस दिख रही है कितनी खूबसूरत बस है, बैक कैमरे से वो बस दिखाता हूँ और चलेंगे डायरेक्ट बाहुबली सेट और दूसरे जगह पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक ओपन बस में जिसमें और एक गाइड भी है इसमें और देख सकते हैं वो माइक से गाइड हमें बताएंगे कि कहां कहां जाना है। अभी स्टूडियो टूर होगी और बाहुबली टूर, जो ये बिल्कुल ओपन खुली बस है, देख सकते हैं पूरी ओपन है चारों तरफ से, कोई शीशा कोई मिरर कुछ भी नहीं। और ये पीछे देख सकते हैं ये यही बस है, सेम यही बस, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बस और बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों का फुल पैसा वसूल है 1350 रुपये, तो आप लोग एक बार जरूर आए रामोजी फिल्म सिटी। ये देख सकते हैं टूरिस्ट गार्ड अनिल कुमार वो आ चुके हैं और वो आप लोगों को पूरा टूर दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं पूरा टूरिस्ट प्लेस कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ। ये देख सकते हैं ईफिल टावर हमारे पीछे और अपन जा रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन वगैरह बस वगैरह। और एक देख सकते हैं बिल्कुल खुला बस है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग आए जरूर एक बार। बाय। मैरिज पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडे इवेंट्स के लिए यूज करते हैं गार्डन। अभी तक हजारों में शादी हो चुका है, आप बुक कर सकते हैं, ब्रोचर के पीछे टोल फ्री नंबर है। नाउ लेफ्ट साइड नॉर्थ अमेरिका टोटेम पोल गार्डन, फैमिली गेट टुगेदर बर्थडे पार्टीज के लिए यूज करते हैं। नाउ लेफ्ट साइड सियारा गार्डन, फेमस फॉर ग्रुप सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए यूज करते हैं गार्डन। आप देख सकते हैं डर्टी पिक्चर में उलाला उलाला सॉन्ग में, देखिए ये गाइड बता रहा है जो DDLJ दिलवाले मूवी है वो यहाँ पे शूट हुई है। बिल्कुल पूरा एरिया जो है ये DDLJ का पूरा शूटिंग एरिया है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ फाइनल रैप रहेगा, यहाँ से आपको बाहुबली सेट के लिए बसेस मिलेगा। आप देख सकते हैं हवा महल को हम दिल दे चुके सनम एंड आइया मूवी में देख सकते हैं आप। नाउ लेफ्ट साइड पाम स्ट्रीट ऑफ केरला, कॉलेज एंट्रेंस स्कूल एंट्रेंस के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए चरिश्मा गार्डन, ये गार्डन का स्पेशलिटी है, शूटिंग के टाइम में हीरोइन जिस रंग का साड़ी पहनते हैं सेम फ्लावर्स उसके अंदर सजाएगा। डायरेक्टर साहब एक 45 डेज पहले कृष्त्री मूवी देखा, कृष्त्री तो आगे देखे स्ट्राइट जैक फाउंटेन, क्या है डिटेचेबल जैक, शूटिंग के टाइम में जैक को हटा के ऋतिक रोशन का स्टैचू यहाँ लगा के बॉम ब्लास्ट का क्लाइमेक्स से यहाँ शूट किया। ये देखिए ऋतिक रोशन का जो सरकार राष्ट्र सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन का हवेली, चंद्रमुखी ये सूर्यवंशम में आप देख सकते हैं ये हवेली ये यूज किया गया है सूर्यवंशम फिल्म में। नॉर्थ सिटी फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा एंड गुरुद्वारा, फतेहपुर सिकरी मैप में शूट करने के तो डायरेक्टर साहब यहाँ शूट करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों ये बुलंद दरवाजा है और ये देखिए ये सब शूटिंग एरिया है पूरा, बिल्कुल एक लात मारो टूट जाओ वैसा है। लेफ्ट ताजमहल, ग्रीन पेंट डाल के मस्जिद के जैसे ताजमहल जनता गैरेज खड्ग मूवी में देख सकते हैं आप। नाउ राइट एंड लेफ्ट नॉर्थ इंडियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओनली शूटिंग के टाइम में ओपन रहता है। एंड राइट साइड श्रीमंतोड़ मूवी में हीरोइन हॉस्टल, अच्छा हम जो देख रहे हैं पूरा बिल्डिंग ये सब बिल्डिंग शूटिंग एरिया है, चोर बाजार है, मुंबई चोर बाजार है और इस तरफ ये मुंबई का चोर बाजार देख सकते हैं। अक्षय कुमार सूर्यवंशी मूवी, गुडम्बा शंकर, स्मार्ट शंकर, खड्गम, अरुंधति मूवी में। नाउ लेफ्ट साइड चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है ना यहाँ शूट किया।
एंड राइट साइड गब्बर सिंह मूवी में पहले पवन कल्याण पुलिस स्टेशन, सिंगम मूवी में सूर्या पुलिस स्टेशन। अब हम जा रहे हैं साउथ विलेज, नॉर्थ से साउथ, साउथ से साउथ विलेज, दो मिनट में पहुंच जाए। एंड राइट साइड विलेज पोस्ट ऑफिस, लेफ्ट साइड नायक मूवी में रानी मुखर्जी का मांडवा हाउस, चंद्रमुखी मूवी में मास्टर का घर और नया मूवी बंगार राजू में नावर का घर। आगे से बंद रहेगा डोर ओपन, बढ़िया बस जा रही है, कितनी छोटी पतली गली से जाते हुए बहुत ही खूबसूरत बस है। और देख सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस में जो बाइक चेसिंग का सीन है ना, ये रोड के ऊपर शूट किया है। देखो ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में ये रोड यूज किया गया है दोस्तों। डिस्को सॉन्ग पाकिस्तान शूट करने के तो फ्लोर के अंदर शूट करेगा, जेल आ चुकी है, सेंट्रल जेल और संभाल के रहना, यहाँ कैदी खुलेआम घूमते हैं, कैदी खुलेआम, ये कैदी देख सकते हो, खुलेआम कैदी यहीं पे शूट होती है, फिल्म के सारे सेंट्रल जेल वगैरह जो है तो यहीं पे शूट होती है। वाह अरे वाह 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 वाह, क्या बनाया गया यार दोस्तों, हमारा कैदी आपको कैसे कैदी चिल्ला रहा है, देख सकते हैं अक्षय कुमार सूर्यवंशम सिंह मूवी, तेलुगु मूवी नीने राजू नीने सूर्यवंशम, तेरे नाम मूवी में सलमान खान का मेंटल शूट की गई है, तेरे नाम में सलमान खान, तेरे नाम का ये सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल इसी में शूट हुआ है ये। और दोस्तों आपको जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है ये शूटिंग के लिए यूज की जाती है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगियां बनी हुई है जो शूट के समय यूज की जाती है। तो दोस्तों ये बस हमारी है और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टूडियो है, यहाँ पे छोड़ चुकी है, दोस्तों देखो मैं कहाँ आ चुका हूँ, इतना खूबसूरत एरिया है यार, ये स्टूडियो देख सकते हैं जो हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वाओ क्या बनाया गया यार, सेट सुपर। 5000 ईयर्स दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये नजारा, वाओ ये सब शूटिंग एरिया है यार, वाह ये देख महाभारत हो रहा है दोस्तों, महाभारत इस तरफ देख सकते हैं, महाभारत की यहाँ पे शूटिंग होती है वगैरह, पूरा सेट बनाया गया है और ऊपर देख सकते हैं कितने रस्सी उससे बांध के बहुत ही खूबसूरत सेट बनाया गया है। दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप महाभारत का सेट था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वो पूरा महाभारत का दो दो सेट बनाया गया है, पूरा यहीं पे महाभारत की शूटिंग होती है इसके अंदर, और वो जो बड़े बड़े सेट थे उस तरह डायरेक्टर डाल के और पूरी फिल्म शूटिंग करते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग थी वो जेल के पीछे, और अभी मैं जस्ट बाहर निकला हूँ महाभारत बिल्डिंग के, और इस तरफ देख सकते हैं ये है फेक रेलवे स्टेशन, और जिस नाम का जोन सी भूमि बनेगी जिस शहर की, पटना दिल्ली बम्बई कोलकाता हैदराबाद सब जगह के यहाँ बोर्ड लगाएंगे और ये बन जाएगी उस शहर की रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अभी आप लोगों को जस्ट दिखाएंगे फेक रेलवे स्टेशन ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म सिटी, और ये मैं पूरा लंदन सिटी में घूम रहा हूँ यार, जितने भी मूवी में दिखाया गया है ये सब यही है फेक रेलवे स्टेशन। कल छैया छैया मूवी शूट हो रही है, इसी से भागा जा रहा था, गदर मूवी में भी इसको शूट किया गया। तो ये पर्दा लगा हुआ है ये पोस्टर, और इसको हटा के दूसरे स्टेशन का पोस्टर लगा देंगे और ये हमारी बन जाएगी दूसरे शहर की रेलवे स्टेशन। फेक एयरपोर्ट बनाया गया है, बिल्कुल लकड़ी वगैरह से ये बनाया गया है, ये तैयार। तो दोस्तों अभी मैं लंदन से फ्लाइट पकड़ चुका हूँ, बिल्कुल फेक फ्लाइट जो है वो अभी जाएगी लंदन से अमेरिका की ओर, सात समुंदर पार। और ये दोस्तों रामोजी फिल्म सिटी की सबसे टॉपेस्ट हाईएस्ट प्लेस पे पहुंच चुका हूँ, देख सकते हैं बहुत सारे फिल्म में DDLJ वगैरह बागवान में जितने भी गार्डन वगैरह जो है, ये गार्डन का एरिया है यहीं पे शूट किया जाता है, देख सकते हैं यही है जैपनीज गार्डन,